हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में काफ़ी खूबसूरती से फ्लावर इन दिनों खिले हुए हैं, जबकि समर का सीज़न है। ये जून का मंथ है और जून में भी कुछ फ्लावर गार्डन में खिलते रहते हैं और फूलों की कमी नहीं होती है। आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए एक ऐसे परमानेंट फ्लावर प्लांट के बारे में आप सभी से शेयर करूँगी, जो कि लेंटाना है और जिसे कि कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। समर में उनमें फूल आते हैं और जब फूल आते हैं तो काफ़ी मात्रा में आते हैं, जिससे कि वो एक गुलदस्ते के रूप में दिखाई देता है। मेरे गार्डन में कई तरह से प्लांट लगे हुए हैं और सभी में फ्लावरिंग हो रही है, देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए उस लेंटाना को आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह से मैंने उसे अपने गार्डन में लगाया हुआ था और क्या मैंने उसके लिए किया हुआ है, जिससे कि वो एक गुलदस्ते के रूप में दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो उसी प्लांट को आज हम दिखाते हुए ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अभी ये बहुत ही खूबसूरती से पर्सलेन एंड पोर्चुल्का के हमारे गार्डन में फ्लावर खिले हुए हैं, क्योंकि इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं इन्हें दिखा रही हूँ, इन्हें आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इनसे गार्डन भरा होता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो चलिए बात करते हैं लेंटाना पे। यहाँ पर ये लेंटाना है जो कि मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है। समर में आप समझ सकते हैं किसी प्लांट को बचाना और उसे फ्लावरिंग स्टेज पर लाना कितना मुश्किल होता है, जबकि पूरा गार्डन टेरेस पे हो। टेरेस पे रहने के बाद भी आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में फूल ही फूल हैं और ये एक गुलदस्ते का रूप ले चुका है। आज बात करेंगे कि इसको किस तरह से केयर करनी है, क्या करना है, जिससे कि ये गुलदस्ते के रूप में दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो समर में यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो ये सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है, पानी मैं इसे बराबर दे रही हूँ। शाम को सभी प्लांट में मैं पानी देती हूँ, सुबह तक इनमें नमी बनी होती है और शाम को वापस से इन्हें पानी देना होता है। ये प्लांट हमारा कटिंग से लगा हुआ है और मैंने कटिंग से छोटी सी ब्रांच लेकर के और लगाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा काफ़ी घना और बुशी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसकी वीडियो पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है। फ़िलहाल उस समय प्लांट थोड़ा लैगी था और देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई लैगी सा प्लांट है तो उसको किस तरह से आप शेप में ला सकते हैं। इस तरह की फ्लावरिंग अगर होती है तो प्लांट देखने में तो खूबसूरत लगता ही लगता है, साथ में वो एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है, जिससे कि उसका अलग ही लुक आता है और गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो प्लांट को आप समर में पानी देते रहिए, ये समर का ही फ्लावर प्लांट है। इसके गुच्छेदार फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इनमें फ्लावरिंग जब चलती है तो पूरे प्लांट को भर करके ये फ्लावरिंग करते हैं। मेरे मन पसंदीदा ये फूल हैं क्योंकि इनकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस आप इन्हें पानी देते रहिए और ये समय से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो किस तरह से मैंने इन्हें घना बनाया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब ये प्लांट लैगी सा था तो यहाँ वहाँ ये गिर रहा था, मैंने इसे लकड़ी का सपोर्ट दिया और उस प्लांट को मैंने इसमें बांध दिया था, लेकिन फिर भी वो प्लांट अच्छा नहीं लग रहा था। फ्लावरिंग तो उसमें चल रही थी शुरू में, लेकिन फिर भी प्लांट अच्छा नहीं लग रहा था और मैं इसे कुछ करना नहीं चाहती थी। फिर मुझे जब अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि ऐसा भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इसके साथ कुछ करते हैं। थोड़ा सा नीचे से छोड़ करके और फिर मैंने उसको काट दिया था। काटने के बाद कुछ दिन तो वो ऐसे ही बना रहा, बाद में मैं पानी देती रही और उसकी अच्छी ग्रोथ हुई। अभी आप देख सकते हैं कि प्लांट कितना घना और बुशी हो चुका है। पहले मैंने काटा तो उसमें से कुछ ब्रांचेस निकली, उन ब्रांचेस को मैंने दोबारा से थोड़ा सा प्रून किया तो अभी ये पूरा गुलदस्ते का रूप ले चुका है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है प्लांट, चारों तरफ से मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये ग्रुप में रखा हुआ है और चारों तरफ से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्लांट है जो लैगी हो चुका है और वो परमानेंट प्लांट है तो उसकी आप थोड़ी सी कटाई छटाई करिए। कटाई छटाई करने से क्या होता है कि प्लांट शेप में आ जाता है और उसमें नई ब्रांचेस आती हैं, साथ ही साथ जब उसमें कलियां आती हैं, फूल आते हैं तो भर के आते हैं। अगर आपको उस शेप में पसंद है तो वैसे रखिए, नहीं तो एक बार उसको दोबारा से प्रून करिए ताकि वो काफ़ी घना और बुशी हो सके। अब क्या है कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग तो हो रही है और ये गुलदस्ते का रूप ले चुका है। फ्लावरिंग के बाद जब ये डोरमेंसी की तरफ जाएगा
उस समय इसकी ब्रांचेस फिर से बड़ी होंगी और मैं इसे इकट्ठा ही नीचे से बांध दूंगी, फिर एक हाइट बना करके और फिर मैं इसे प्रून करती रहूंगी, जिससे कि ये एक हाइट में रहेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा और जब उसके फूल आएंगे तो इसी तरह से गुलदस्ते की तरह आएंगे। तो यही सब थी इस लेंटाना पे और मैंने क्या किया है, कैसे इसे शेप में रखा है, कैसे इसकी फ्लावरिंग हो रही है, मैंने आप लोगों से इस वीडियो में शेयर किया। और अगर आपका भी कोई प्लांट ऐसा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि वो देखने में खूबसूरत भी लगेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो यही थी हमारी आज की इस वीडियो में, और वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।